meet Mateen, the man of crisis, with Javed. आज वार क्या है? रविवार. ये जो जावेद है ना, ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं, और गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं. देखना है कि शिकार ही शिकार होता है या फिर जावेद का आज वार होता है. पिंपळाच्या माजी सरपंच दीपिका पाटील यांनी दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. आणि मी आता सर्वांना विनंती करेन की मुख्य रेषेच्या सीमारेषेच्या कॉमेंटेटर शुभा धुमाल, ये उड़ाया कहां गए? ढूंढना पड़ेगा. मी आमदार चषक 2018 सर्व आमच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतोय, चारही दिशांना आपण तैनात राहायचं आहे. सो बॅक टू क्रिकेट नाव, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ग्रँड फिनाले ऑफ एमएलए ट्रॉफी 2018 फ्रॉम छत्रपती शिवाजी क्रिकेट ग्राउंड भादवड भिवंडी. पॅक क्राउड हियर, बी इंडियन वर्सेस महिंद्रा स्पोर्ट. महिंद्रा वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू द फील्ड फर्स्ट टू अपनर्स ऑन द ग्राउंड मतीन एंड जावेद. बँड पथकाला विनंती असेल की चेंडू टाकताना वाजवायचं नाहीये, फक्त चौकार षटकार आणि आनंदाचा क्षण असेल किंवा आउट झाला तरी पण आपण आनंद व्यक्त करायचा आहे. व्यासपीठावर विराजमान तमाम सन्माननीय पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत. उपस्थित बँड पथकाच्या बाजूला म्हणजे गार्डन मध्ये जे काही रसिक प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीमध्ये जाऊन बसायचंय. आमचे स्वयंसेवक दयानंद म्हात्रे आपल्याला विनंती करतोय, आपण तिथे चाललेलो आहात. सर्वांना सन्मानपूर्वक विनंती करा की आपण जाऊन प्लीज तिकडे बसायचंय. इज गोइंग टू बी सुरेश पारदी ओपन द बॉलिंग अटॅक अँड फेसिंग हिम. बरोबर, बँडवाल्यांना व्यवस्थित जरा वाजवू दे, त्यांना वाजवताना अडथळे येणार नाही आणि फटाकडे आतमध्ये कोणी फोडायचे नाहीत. पारदी reaches bowling mark, first ball of the grand finale. Ajay Gharat join me in commentary box. Welcome Ajay Gharat. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे, सभी को अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार. ये है फाइनल मुकाबला एमएलए ट्रॉफी 2018 का महिंद्रा स्पोर्ट्स और बी इंडियन के बीच में, होस्ट वर्सेस गेस्ट. यस, ये गोज सुरेश पारदी. मतीन ऑन स्ट्राइक, फर्स्ट डिलीवरी ऑफ ग्रैंड फिनाले. पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गोस पास अस, फेसिंग हिम मतीन. पैक्ड आउट हियर, हियर ही गो. गोस टू मतीन, स्विफ्ट एज बॉल. विशाल पाटिल एट डीप मिड विकेट, नॉट गेटिंग टू मच एलिवेशन बिहाइंड द स्ट्रोक. Ball is traveling straight to fielder and with the stroke Mateen gets one. हालांकि अच्छी कोशिश की थी मतीन ने, उछालना चाहते थे लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए. लोअर फुल टॉस गेंद, हमने देखा था कि क्वार्टर फाइनल मैच और सेमीफाइनल मैच दोनों भी मुकाबलों में पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला था मतीन ने, फिर से वही कोशिश थी. यस, पारदी फेसिंग हिम बैट्समैन जावेद. Is a love to play improvised cricket like Javed. Pardi left arm round wicket to Javed. Pack crowd here. Here he go. Burst to Javed. Beautiful ball. Beautiful ball. There is a loud shot for LBW. Overthrow and ball is racing. Four runs. This is the poor cricket from Mahendra. क्या वाकई में इस थ्रो की जरूरत थी? अब ये बहुत बड़ा सवाल है. माना कि मतीन थोड़ा सा बैकअप कर रहे थे लेकिन यहाँ पर बैकअप तो फील्डर को भी करना था लेकिन बैकअप करने के लिए फील्डर पहुंच भी नहीं पाए, इतना दूर से थ्रो चला गया.
हालांकि जोरदार अपील की थी। सुरेश पारदी ने कमाल की बॉलिंग की है इस एमएलए ट्रॉफी में। दिस इज द फोर बोनस रन टू बी इंडियन। यस, दैट वाज अ वेरी वेरी क्लोज, बट अंपायर इज द बेस्ट जज। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन, द अनाउंस फ्रॉम संजय मात्रे। So B Indian was up to 5 for no wicket. Yuva Sena Bhiwandi Taluka Sachiv Raju Patil Karevli, all the best for MLA trophy. Welcome Raju Patil in MLA's final. 5 run bina kisi nuksan ke. Is going to be Suresh Pardi ready to bowl now. 5 for no wicket. First over in progress, and you are watching Cricket ke Rang, Mahindra Sports ke Sang. Raju Boga is samay Suresh Pardi se baatchit karte hue. Pardi ne waqai mein prabhavit kiya hai apne bowling se. Satik line aur lane par rakha hai pure tournament mein apni gendon ko. और जो पहला ओवर वो करते हैं मैच का वो बड़ा ही जबरदस्त होता है। सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट फेसिंग हिम बैट्समैन जावेद। बॉल टू जावेद, स्लॉग स्वीप, ओवर मिड विकेट फॉर अ ग्लोरियस सिक्स। हालांकि बहुत ज्यादा एलिवेशन तो नहीं था स्ट्रोक में, लेकिन फील्डर को क्लियर किया, छोटी बाउंड्री को टारगेट किया जावेद ने। और जावेद का यह प्रिय इलाका है स्क्वेयर लेग मिड विकेट, यहाँ पर लगातार शॉट्स खेलते हैं। Just over the mid wicket at, look at that slog sweep, magnificent stroke played by Javed. Today is the Sunday and this is the first war of Javed. जी हाँ, सुपर संडे है ये एमएलए ट्रॉफी 2018 का महामुकाबला आप देख रहे हैं भादवड़ के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड से। यस, नाउ गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख having a word with Suresh Pardi, Harish Patil, because this is the good start from B Indian in mega finale, 11 without loss. B Indian ki hum baat kare to quarter final mukable mein Dhanesh 11 se loha liya, unhone match jeeta uske baad. Oh, ye darshak dekhiye zara, usse pehle koi baba koi sixer ke saath aaya hai, ye B Indian ke zyada fans nazar aa rahe hain. Dono teamon ko bahut acha सपोर्ट है। एक तो महिंद्रा स्पोर्ट्स अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, तो बी इंडियन की मैं बात कर रहा था सिद्दीक भावे। सेमीफाइनल मैच में तो बड़ा ही पसीना बहाना पड़ा था, क्योंकि सोना देवी टीमगर टीम ऐसे एक समय लग रहा था जब दो गेंदों में दो रन चाहिए थे कि मैच जीत जाएगी, लेकिन यस, नहीं, पसीना बहाना नहीं पड़ा था, पूरी टीम पसीने में डूब गई थी। ये पैक क्राउड आप देख रहे हैं, 11 फॉर नो विकेट। वेलकम ऑल ऑफ यू, यू आर वॉचिंग क्रिकेट के रंग, महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग, द ग्रैंड फिनाले ऑफ एमएलए ट्रॉफी 2018। पैक क्राउड या आरके स्टैंड पैक, शाम नाई कैलरी पैक, वॉल पैक। कल से आईपीएल की शुरुआत हुई है, आईपीएल का 11वां संस्करण, और ये 11वां और अंतिम दिन है एमएलए ट्रॉफी 2018 का, और इस समय स्कोर भी 11 रन बिना किसी नुकसान के। 11 for no wicket. Bilal Sheikh having a word with Suresh Pardi. Bilal Sheikh, no, the 70 plus, one of the tough total. निश्चित रूप से बी इंडियन की पहली कोशिश तो यही रहेगी कि 70 के आंकड़े को किसी तरह से पहले छुआ जाए, और उससे ज्यादा बनाते हैं तो फिर वो प्लस पॉइंट रहेगा। यस, वेलकम माय फ्रेंड ज्वाइंड इन एमएलए ट्रॉफी नूरुल्ला मोमिन। ये गोज सुरेश पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। बॉस्टो जावे, स्वीप डैस बॉल इन वैकेंट एरिया फॉर फोर। कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, और यहां पर लालच मिला था गेंदबाज को, स्टंप्स अपने खुले छोड़ दिए थे जावेद ने, स्टंप्स पर निशाना साधने की कोशिश की थी सुरेश पारदी ने। ये देखिए किस तरह से गेंद की थी, और उसका बहुत ही बुरा हश्र किया है जावेद ने। इसीलिए तो अजय गरत मैं कहता हूं कि आज रविवार, और ये जो जावेद है ना, ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो वार करते हैं, और गेंदबाजी करते हैं तो शिकार करते हैं।
कमाल के बल्लेबाज है जावेद, इनको तो एक ही तरीका मालूम है खेलने का, सी बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द पार्क। 15 विदाउट लॉस, दिस इज अ टेरिफिक स्टार्ट फ्रॉम बी इंडियन इन मेगा फिनाले। एमएलए रुपेश मात्रे, ग्रामीण सम्राट मुख्य गेट उघडण्यासाठी तयार राहायचे, प्लीज पाहुणे येणार आहेत। 15 फॉर नो विकेट। सुरेश पारधी बॉस टू जावे, ट्राय टू रिवर्स स्वीप, दे थ्रू फॉर वन, बॉल इज ट्रेवलिंग टू स्लिप, पपिया खारिक इज देयर, सो वन मोर टू टोटल, नाउ स्कोर वॉज अप टू 16 फॉर नो विकेट। इस बार बहुत जल्दी भाप लिया था सुरेश पारधी ने कि बैट्समैन क्या करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं गति में परिवर्तन किया था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे जावेद, लेकिन फिर भी सिंगल मिला है, रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के। पारधी टर्न गोस पास आस, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बॉस्टो मतिन डेलिकेट कवर ड्राइव, पिक्स ऑन द ऑफ वॉली, सॉफ्ट एंड ड्राइव इन डीप कवर एंड विद द स्ट्रोक बैट्समैन थ्रू फॉर वन, डेट मार्क्स एक्सपेंसिव ओवर टर्न फ्रॉम सुरेश पारधी, 17 रन एंड नो विकेट इज ओवर टू रवि सर एंड मनोहर तरे। ये आप देख सकते हैं मान्यवर्स को, हबीब अंसारी, अरुण जी, एमएलए रुपेश मात्रे, ग्रामीण सम्राट और जिला परिषद बांधकाम सभापति सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा। एक और मान्यवर हमारे बीच जुड़ते हुए आणि आगमन होता है, आणि नक्कीच प्रमुख माननीय श्रीता प्रकाश जी पाटील साहेब यांचा, शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रमुख माननीय श्रीमान प्रकाशजी पाटील साहेब आपला हार्दिक स्वागत आहे, तसेच भिवंडी ग्रामीणचे सन्माननीय आमदार शांतारामजी मोरे साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रमुख माननीय श्रीमान प्रकाश नकुल पाटील साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, आमदार चषकाच्या या अंतिम दिवशी आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत सुस्वागतम। भिवंडी ग्रामीणचे सन्माननीय आमदार सन्माननीय शांतारामजी मोरे साहेब आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। ग्रामीण आमदार माननीय श्री भिवंडी शांताराम मोरेजी और शिवसेना थाना जिला ग्रामीण प्रमुख प्रकाश जी हमसे जुड़ते हुए, बहुत खूबसूरत गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर, बहुत ही खूबसूरत गेंद, शोर उभर रहा है, डॉट गेंद पे अलग शोर, थोड़े देर में पिछला जो सेमीफाइनल था आपने देखा था क्या आह और हू की आवाजें आ रही थी गेंद पर, ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाकर अपने स्टंप्स को बचाया वहां पर मतीन ने, हालांकि ऑफ स्टंप के थोड़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे, इस मरतबा स्वीप कर दिया सीधा फील्डर के हाथ में, मतीन आउट। मतीन ने अपना फेवरेट स्ट्रोक खेला और उसमें फंस गए, अच्छा कैच लिया विशाल पाटिल ने, पहली सफलता मिलती हुई महेंद्र स्पोर्ट्स को। यस, इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते, बहुत तेज गेंद गई थी, मिडल ऑफ द बैट स्वीप किया था, ग्यासुद्दीन भले से बल्ले से फेर रहे हो लेकिन गेंदबाजी में कमाल किया है ग्यासुद्दीन ने, निश्चित रूप से सेमीफाइनल मैच में भी हमने देखा ना सिर्फ ग्यासुद्दीन ने बल्कि सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग की थी पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध महेंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। पहला विकेट, ये देखिए जश्न, लगे रहो इंडिया, सख्त जरूरत थी कहीं ना कहीं इस विकेट की, मतीन बड़े ही डेंजरस बैट्समैन, इस फाइनल मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बल्ले से, सिर्फ 2 रनों का योगदान दिया। नए बैट्समैन साहिबान फक्की बल्लेबाजी को आए हैं, बाबा को भेजा है ऊपर, देखिए ये रणनीति चेंज रहती है हमेशा, सेमीफाइनल फाइनल में कहीं ना कहीं बाबा को ऊपर भेजा जाता है क्योंकि बाबा भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और बी इंडियन को भी पता है कि महेंद्रा की जो मजबूत बल्लेबाजी है उसके सामने आपको 70 प्लस रखना होगा। जी बिल्कुल, कल रात हमने देखा था बाबा पारी को फिनिश करने के लिए आए थे, एक लंबा छक्का भी जड़ा था उन्होंने दिनू भोईर के विरुद्ध और अब वन डाउन खेलने आए हैं, तो बी इंडियन का बैटिंग ऑर्डर भी ऐसा है कि किसी भी खिलाड़ियों को, किसी भी बैट्समैन को कहीं पर भी भेजा जा सकता है। देखना है कि ग्यासुद्दीन शेख पूरे एमएलए ट्रॉफी में अपने गेंदबाजी से बहुत ही
दर्शकों को उन्होंने उनके दिल जीते हैं, बहुत इंप्रेस किया है, खींच लिया अपनी तरफ। उनके बल्लेबाजी को जरूर नजर लगी है लेकिन गेंदबाजी को नहीं। यसुद्दीन शेख राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा कट करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट टर्नमेंट पे हरेश के पास एक रन। थैंक यू भावे सर। आर के पाटिल स्टैंड मध्ये जे रसिक प्रेक्षक भिंती और पाय ठेवून बसलेले आहेत, प्लीज पाठीमागे जायचे, पीछे हटना है आपको, पैवेलियन में जाके बैठिए प्लीज। 18 रन एक विकेट गंवाने के बाद यसुद्दीन अभी तक सिर्फ एक रन खर्च कर चुके हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि यासुद्दीन की गेंदबाजी में काफी सारे वेरिएशंस देखने को मिले हैं और कोई भी बल्लेबाज ठीक तरह से उनको खेल नहीं पाया है। गेंदबाजी कर रहे हैं, यासुद्दीन शेख फ्लिक किया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लेकिन मिस फील्ड, चार रन, गेंद घूमी मानो स्कोर घूम गया। युवा खिलाड़ी है वहां पर राहुल, गलती कर बैठे, हालांकि टाइमिंग लाजवाब थी। यहां पर देखिए फुलर लेन गेंद विकेटों पर आ रही थी, थोड़ा सा रिस्की स्ट्रोक भी था और रिस्की भी था, लेकिन ये गलत पूर्वानुमान और चार रन। स्टीव स्मिथ इस तरह के शॉट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते हैं, शफल करके इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है, 22 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। बेहतरीन टच में नजर आते हुए जावेद है यसुद्दीन शेख, क्योंकि एक एक रन कीमती है और एक रन कितना कीमती है आज आपने देख लिया। शायद दिनेश चौधरी अब उस बल्लेबाज को लाएंगे, चार मरतबा एक रन नरा है सोना देवी टेमगर को, जो एक रन बनाए, सिक्सर नहीं मारे। एक रन की कीमत आप क्या जानो। यसुद्दीन शेख छोटी बैकलिप से पुश करते हुए वाइडिश डीप मिड ऑफ पे गेंद को उठाया राजू बोगा ने, एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पे पहुंचा है एक विकेट गंवाने के बाद। हालांकि ये ओवर अभी भी अच्छा कहा जा सकता है यासुद्दीन के लिए, बॉलिंग तो बहुत बढ़िया की है उन्होंने, एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है और केवल अभी तक 6 रन खर्च किए हैं। क्या एटमॉस्फियर है, गेंद डालने से पहले ऐसा लगता है कि मैदान में सांप सूंघ गया है और विकेट गिरा या बड़ा स्ट्रोक लगा तो शोर उभरता है। इस मरतबा फिर से अच्छा ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर में, आप जाके गेंद को उठाया, हड़बड़ाहट जरूर थी लेकिन मना किया वहां पर बाद में बाबा ने, एक रन से दो ओवर की समाप्ति। बी इंडियन मेगा फिनाले में 24 रन एक विकेट, अगले दौड़ में क्या होगा ये आइए सुनते हैं द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ बीवंडी कॉमेंट्री क्रिकेट, अजय करत। थैंक यू कॉमेंट्री बॉक्स व्यासपीठावर स्वागताकडे वळूया। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष सफाकत खान यांचं स्वागत करायचं आहे। मेहमान से नम्र निवेदन कि आपका नाम लेने के बाद खड़े होके हमारे स्वागत का स्वीकार करें। सफाकत खान महाराष्ट्र प्रदेश यूथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। यानंतर विभाग प्रमुख साउंदे भगवानजी केणे साहेबांचं स्वागत करायचं आहे। आमदार चषक 2018 मध्ये आपला सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। रसिक प्रेक्षकांना एक नम्र विनंती असेल की खेळाडू खेळत असताना मोबाईलची फ्लॅश ऑन कोणी करू नये, प्लीज खेळताना डिस्टर्ब होतं। यानंतर धन्यवाद, ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवि सर, धन्यवाद सिद्दीक भाबे। तो 24 रन एक विकेट के नुकसान पर दो वर्ष के बाद बी इंडियन बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। बायत के गेंदबाज राजू बोगा इस समय अटैक पर आते हुए, और राजू बोगा ने सेमीफाइनल मैच में हैट्रिक ली थी, कुल मिलाकर 5 विकेट्स लिए थे और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। उनके सामने इस समय बाबा, दो गेंदों का सामना किया है, दो पर बैटिंग करते हुए जावेद कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं इस फाइनल मैच में, दो चौकों की मदद से और एक छक्के की मदद से इस समय 16 पर खेलते हुए। बोगा की पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट,
अच्छी गेंद थी, टैप करना चाहते थे वहां पर ऑफ साइड में, लेकिन बॉलर की तरफ चली गई डॉट बॉल। क्या एटमॉस्फियर है, ये देखिए डॉट गेंद गई तो एक अलग शोर उभरता है, विकेट गया तो अलग शोर और शॉट लगा तो अलग। देखिए बॉल थोड़ा सा राइज हो रहा था उस वजह से कंट्रोल नहीं कर पाए शॉट को। अच्छी गेंद, इस बार छोटी बैकलिप से सीधे बैट से खेला है डीप मिड ऑफ पर सिंगल। देखिए राजू बोगा के सामने इतनी आजादी तो बल्लेबाज नहीं लेंगे, लेकिन गेंदबाज है, एक ना एक तो किसी भी गेंदबाज की लूजनर पड़ जाती है, देखना है क्या उसका वेट करते हैं। जावेद भी अजीब बैट्समैन है। नहीं, दोनों भी बल्लेबाज ऐसे हैं जो अच्छी गेंदों पर भी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, ये खासियत है। और पूरी इंडियन की जो बल्लेबाजी है कुछ इस तरह की ही है। आने वाले बल्लेबाजों में हम देखें तो दानिश काजी का आना बाकी है, मुनाफ शेख है, साकिब जो कि उभरते हुए बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, आसिफ अनुभवी खिलाड़ी है, साइबान फकीर को कैसे भूल सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। क्या लगता है अजय करत, मैच की ये जो स्थिति है बिंडियन यहाँ से कहाँ देख रही है, 60+ 70+? भिवंडी शहर महानगर पालिकेचे सन्माननीय उपमहापौर मनोजी काटेकर साहेब आपला हार्दिक स्वागत आहे, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती सुंदर सीताराम नाईक साहेब आपला हार्दिक स्वागत, तसे ज्येष्ठ नगरसेवक भिवंडी शहर महानगरपालिका बाळारामजी चौधरी साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। देखिए बी इंडियन के बल्लेबाजों के मन में तो निश्चित रूप से 70+ ही टारगेट रहेगा। शॉट गेंद, पुल किया, पुल और पावरफुल और सक्सेसफुल भी, 6 रन। क्या शॉट खेला अजय गरत, कितनी जल्दी गेंद को पढ़ लिया था, ऐसा लगता है कि जावेद के पास बहुत समय है शॉट खेलने के लिए। ये देखिए अजय गरत, जैसे ही गेंद टिप पिच हुई खींचा बल्ले पे चापू की स्ट्रोक, 6 रन। इसीलिए तो कहता हूं कि आज रविवार और जावेद का यह तीसरा बार, क्रीज के बहुत पीछे चले गए थे, शायद आपने एक बार कम कर दिया उनका, 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं जावेद, गजब की बल्लेबाजी करते हुए बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया था वहां पर, यह तो बड़ी ही कमजोर गेंद थी, इस तरह की गेंदें आप नहीं कर सकते हैं जावेद जैसे बैट्समैन को। अभी तक ये 18वां इवेंट आप देख रहे हैं सिटी क्रिकेट में, 6 जीते हैं इंडियन ने, 5 जीते धनेश कुकसे ने, 6 टीमें जो एक एक कप जीती है जिसमें महिंद्रा भी है, यूती का है, टेम्बोली है, साथ ही साथ एसपी दापोडे है, एनआर बोरपाड़ा है, ये वो टीमें हैं जो एक एक कप को जीत चुकी है। और पाइनियर 4 रनर्स के साथ हैं, एक एक रनर्स के साथ मैगी, एसपी दापोडे, रमनी कोहली सोना देवी टेमगर और मैगी, ये वो टीम है। भिवंडी सिटी चा जर हाईलाइट चा विचार केला तर एकूण षटकार 609 लागलेले आहेत आणि 296 चौकार लागलेले आहेत, तसे षटकार आणि खाते खोलणारे फलंदाज 122 आहेत आणि चौकार आणि खाते खोलणारे फलंदाज 74 आहेत। बोका की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, इस बार फुलर लेंथ और कुछ समझ नहीं, पुश करना चाहते थे ऑन साइड में, बहुत खूबसूरत गेंद, राउंड आर्म गेंद उनकी रहती है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, इस तरह की गेंदबाजी तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही गेंदबाज था जो करता था, वो थे वसीम अकरम। तो अच्छी वापसी की है राजू बोगा ने छक्का लगने के बाद, एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार उठाना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना पाए और एक सिंगल चुराते हुए, विकेट कीपर के हाथ में ठीक तरह से आई नहीं थी गेंद, सफाई से रोक नहीं पाए थे सुजीत नाइक जो कि बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर है। बोगा वैसे भी बहुत फाइटर क्रिकेटर है, बहुत अच्छी वापसी की, ये देखिए नजरें हट गई थी, अंधेरे में तीर चला दिया था जावेद ने, अच्छी सोच वहां पर राजू बोगा की कि बैट्समैन के पैरों को निशाना बनाया उन्होंने, स्कोर अब 32 एक विकेट के नुकसान पर, कहीं ना कहीं रनों की जो रफ्तार है वो पहले ओवर के बाद थोड़ी सी धीमी हो गई है, पहले ओवर में 17 रन आए थे, यासु ने सिर्फ 7 रन खर्च किए और राजू बोगा का ओवर भी अभी तक किफायती। ओवर की आखिरी गेंद अब सर्कल के अंदर, 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं,
और हरेश पाटिल जो कि शॉर्ट थर्डमैन की तरफ है, उन्होंने जो बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खिलाड़ी थे उनको बाउंड्री पर भेज दिया है, तो अब शॉर्ट थर्डमैन और एक शॉर्ट फाइन लेग। यस, फाइनल में ये दो टीमें इससे पहले फेमस ट्रॉफी में टकराई थी, जहां पर यासुद्दीन के ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से वो मेगा फिनाले महिंद्रा ने जीता था। महिंद्रा की भी बल्लेबाजी की जो मजबूती है, आज बिलाल शेख की भी परीक्षा रहेगी। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करते हुए बाबा, पूरी लंबाई की गेंद और अच्छा ऑन ड्राइव, पारदी से थोड़ा सा फंबल हुआ है लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं महिंद्रा स्पोर्ट्स को, सिर्फ एक रन इस गेंद पर, तो कुल मिलाकर 9 रन आए इस ओवर से, 3 ओवर के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स मित्रों, स्वागताकडे वळूया। शाखा प्रमुख बाळासाहेब सोलंकर यांचं स्वागत करायचं आहे। यानंतर शाखा प्रमुख करमचंद सर्वदे आपण स्वागतासाठी यायचे। ग्रामपंचायत कोक्षे सदस्य आकाश पाटील आणि रांगोळीचे कलाकार प्रीत पाटील आपण सुद्धा स्वागतासाठी यायचे। शरद मात्रे आपण माईस्टरची संपर्क साधायचे प्लीज। यानंतर पत्रकार एस 7 न्यूज रवि तिवारी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। कोंडगावचा करण मुकादम नावाचा मुलगा 3 वाजल्यापासून या ठिकाणी, आपली घरची मंडळी आपल्याला शोधतायत, प्लीज आपण घरी जायचंय। उस्मान मंसुरी MDS न्यूज चॅनल आपण सुद्धा स्वागताचा स्वीकार करायचंय। त्यानंतर संध्याताई पवार भिवंडी वृत्तांतच्या संपादिका, त्यांचं स्वागत झालेलं आहे, धन्यवाद। आमदार चषक 2018 मध्ये आपण सर्वांचं हार्दिक स्वागत। रसिक प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण ज्या ठिकाणी बसलेला आहात तिथे आपण व्यवस्थित बसायचं आहे, कोणाला त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने बसायचंय प्लीज। पत्रकार मेहंदी हसन त्यांचा सुपुत्र या ठिकाणी आहे, त्याचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। कृपया तिथे काही झालेलं नाही, सर्वांनी शांत बसायचे प्लीज। वहां पे सिर्फ हमारे वॉलेंटियर्स है। सामना सुरू करायचंय, क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय प्लीज। आमदार चषक 2018 मध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। हजारोंच्या संख्येने उपस्थित भिवंडीच्या रसिकांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। मंडळी रसिकांनी तर उदंड प्रतिसाद दिला 2012 पासून, त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर यशस्वी 6वं वर्ष आपण पार करतोय। मेगा फिनालेचा रसिकांच्या उदंड प्रतिसादामध्ये हा इव्हेंट चालू आहे, आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। पत्रकार रवी वर्मा यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे, मी त्यांना विनंती करतोय आपण पुढे यायचंय। भिवंडीतील तमाम प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम, सुस्वागतम आपण पाहतोय क्रिकेटचा महासंग्राम अंदाज चषक 2018 मेगा फिनाले। जहां देखो वहां दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए इस समय 33 पर एक, ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए ग्यासुद्दीन आक्रमण जारी रखते हुए हल्के से शॉट पुल कर दिया है, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर और बढ़िया फील्डिंग बिलाल की। गेंद में थोड़ा ज्यादा उछाल था लेकिन बिलाल ने बहुत अच्छी तरह से फील्ड किया, सिर्फ एक रन। यस, वेल जजिंग बाय बिलाल एट डीप मिड विकेट बाउंड्री। सो 1-2 स्कोर नाउ, स्कोर वाज अप टू 34 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। बी इंडियन लूजिंग अ टॉस बैटिंग फर्स्ट ईयर। इसी रफ्तार से आखिर तक रन बनते रहे तो 60 प्लस टोटल बन जाएगा, 66 रन के आसपास, तो कहीं ना कहीं बी इंडियन के बैट्समैन यहां से और ज्यादा तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो विकेट्स भी 9 हाथ में है, वो एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है बी इंडियन के लिए। ग्यासुद्दीन का दूसरा ओवर है, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और एक मूल्यवान विकेट प्राप्त किया मतीन का। जावेद 22 पर खेलते हुए
बढ़िया गेंद और यहां पर विकेट कीपर से गलती होती हुई। इनसाइड एज लगा था और ये अवसर जरूर था, महंगा पड़ सकता है क्योंकि जावेद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गयासुद्दीन अभी भी खुश नहीं वहां पर, ये देखिए अंदर लगी थी लेकिन उसे कैच नहीं कर पाए। गेंद हालांकि बहुत तेजी से आई थी लेकिन विकेट कीपर कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं, थोड़ा सा झुक कर रहना चाहिए था। एक तो फुलर लेंथ की गेंद थी, बॉटम एज लगा था, जीवनदान मिलता हुआ जावेद को। बाबा ने अभी तक 6 गेंदे खेली है, सिर्फ 5 रन बनाए हैं। कटर और उसको पुल कर दिया है, 6 रन, व्हाट अ शॉट, लाजवाब स्ट्रोक बाबा के बैट से। ये वेरिएशन बॉल था वहां पर गयासुद्दीन का, लेकिन देखिए किस तरह से खेला है उन्होंने, थोड़ा सा रुके और उसके बाद शॉट खेला है। यस, ऐसा लगा था कि बाबा शायद स्ट्रोक को चेक कर रहे हैं, देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। ये देखिए क्रीज के कोने से ऑफ कटर दिया, आने दिया उसको, ठीक गेंद के लाइन के अंदर आकर उस गेंद को हुक कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 6 रन, शानदार और जानदार शॉट। इसी गेंद से गयासु ने कई बल्लेबाजों को हैरान किया। इस बार तेज गेंद, फुलर लेंथ और हो बाल बाल बच गए बैट्समैन। ये देखिए कितने बच गए, किस्मत का साथ वहां पर, क्या कुछ हुआ है समझ में भी नहीं आया था। ऑफ स्टंप के काफी करीब से चली गई गेंद, वार होता है तो तुरंत गेंदबाज भी पलटवार कर देते हैं। अभी तक की फाइनल मैच की कहानी कुछ ऐसी ही रही है। पटकी हुई गेंद, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। तीन तीन खिलाड़ी झपटते हुए, 2 की कोशिश, मौका यहां पर और बैट्समैन रन आउट। बी इंडियन को दूसरा झटका लगता हुआ, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का नमूना। काफी दूर से आए थे फील्डर, तुरंत उठाया गेंद को और थ्रो किया उन्होंने विकेट कीपर के पास, और ये दर्शक अब झूमते हुए। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। समोरच्या रिगर स्क्वेअरच्या ऑफिसच्या वर जे रसिक प्रेक्षक उभे आहेत, आपल्याला विनंती राहील आपण पत्र्यांवर उभे आहात, कृपया करून खाली उतरून मॅच बघायची आहे। बरोबर, पाठीमागे सरकायचे, डान्स पाठीमागे जाऊन मध्ये जाऊन करा। देखो नाचण्याच्या नादामध्ये आपण खाली पडाल, आपण मागे सरकायचे, प्लीज बसून घ्या मित्रांनो, बसून घ्या खाली, खाली बसून घ्या प्लीज, थँक यू, बसा खाली। आरके पाटी स्टँड मध्ये रसिक प्रेक्षक आहेत, आरके पाटी स्टँड पाय वर घ्यायचे आपण, पैर ऊपर करना है आपको, थैंक यू। यस, तो 12 रन बनाकर बाबा आउट हुए, नए बैट्समैन दानिश काजी, इनके लिए तो ये ग्राउंड बड़ा ही भाग्यशाली है। यहां पर बल्लेबाजी करना काफी पसंद करते हैं, सेमीफाइनल मैच में भी 32 रनों की शानदार पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे। एक अच्छी साझेदारी बनी थी 25 रनों की दूसरे विकेट के लिए, वो साझेदारी टूट चुकी है। एक शॉट थर्ड मैन और एक बैकवर्ड पॉइंट, ये दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर। जोरदार अपील, जोरदार अपील और उंगली ऊपर, एक और झटका लगता हुआ भी इंडियन को। स्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम व्यू इंडियन एबी डिविलियर्स गयासुद्दीन शेख, व्हाट एक्सलेंट बॉलिंग इन फर्स्ट ओवर, गयासुद्दीन क्लेम 1 विकेट, इन दिस ओवर गयासुद्दीन क्लेम 1 विकेट आल्सो, यू कैन सी देयर। सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत आहे मनोहर, नक्कीच लाखो रसिक प्रेक्षक हे निश्चितच लाईव्ह आनंद घेत आहेत। रसिक प्रेक्षकांना विनंती देईल, आपण स्वतःची काळजी आपण स्वतः घ्यायची आहे, नक्कीच आपण खचाखच दोन्ही पॅडिंग भरलेले आहेत। सर्व रसिक प्रेक्षकांना विनंती, आपली स्वतःची काळजी आपण स्वतः घ्या, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आपण स्वतः आम्हाला सहकार्य करायचंय।
नाही मनोहर सर्व रसिक प्रेक्षक अतिशय चांगले आहेत त्याच्यामुळे आनंद घेतील आणि ही गेम बघा। तो चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मेगा फाइनल मैच में भी इंडियन टीम, वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। ओवर के लिए आपके साथ रहेंगे सिद्दीक भावे और सुभाष धुमाल। मनोहर यूट्यूब च्या माध्यमातून आता 40,000 व्यूअर झालेले आहेत आमदार चषक 2018 चा हा सामन्याचा आनंद घेणार आहे आणि जवळजवळ 25,000 वर छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडानगरी या क्रीडांगणावर सर्व रसिक प्रेक्षक आनंद घेत आहेत। सन्माननीय आमदार रुपेश दादा म्हात्रे आणि संजय भाई म्हात्रे यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत। यावेळी काल्पनिक सारे चेंडू टोळला जातोय काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये, चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय विशाल पाटील ह्याच्याकडून। इस पूरे आमदार ट्रॉफी में विशाल पाटिल की बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों लाजवाब रही है। मेगा फिनाले मित्रों अपन पाहतोय बी इंडियना विरुद्ध महिंद्रा स्पोर्ट्स या दोन बलाढ्य संघामध्ये नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना बी इंडियना संघ। मित्रांनो एक विनंती राहील, आपण गेले 11 दिवस SMS करून शुभेच्छा दिलेत पण आज SMS वाचले जाणार नाही कारण मोबाईल बंद झालेत। प्लीज क्षमा असताय भिवंडीतील तमाम रसिक प्रेक्षकांचं खूप खूप हार्दिक अभिनंदन। 2188 व्यूअर्स लाइव टेलिकास्ट देख रहे हैं यूट्यूब पर इस मेगा फिनाले का। हे प्रेक्षकांची आपण गर्दी पाहू शकता, ठेवलाही जागा नाही। नक्कीच आमदार चषक 2018 मध्ये सन्माननीय मंत्री राज्यमंत्री आणि आमदारांनी तसेच भारतीय क्रिकेट वीरांनी उपस्थिती लावली। माननीय आमदार एकनाथजी शिंदे साहेब सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, अर्जुनजी खोतकर सन्माननीय राज्यमंत्री, आमदार प्रतापजी सरनाईक, पांडुरंगजी बरोरा साहेब, रमेशजी लटके साहेब, रवींद्रजी चव्हाण साहेब, सुभाजी भोईर साहेब आणि त्याचबरोबर रवींद्रजी फाटक साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय मनोहरजी भोईर साहेब यांनी आज उपस्थिती दाखवली होती। राजन विचारे खासदार साहेबांचं आगमन झालं होतं आणि अभि कुरुविला भारतीय संघातील ज्याने निश्चितच वेस्ट इंडिजच्या सोबत भारतीय संघामधून पहिला सामना खेळला होता या खेळाडूचं सुद्धा आगमन झालं आणि हे बघा TV स्क्रीनवर खच्चा खच उदंड प्रतिसाद आहे। मला वाटतं आमदार साहेब हा IPL सामना चाललाय की काय, एवढा जबरदस्त इव्हेंट सुरू आहे आणि आपल्या आशा आकांक्षा आणि अपेक्षा आणि ज्या उद्देशानं आमदार चषक 2018 हा मेगा इव्हेंट भिवंडीतील एकता अखंडता आणि एकात्मतेचा संदेश देणारा हा क्रिकेटचा महासंग्राम होतोय। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धेचं आयोजन। मित्रांनो आपण पाहता क्रिकेट किरण महिंद्रा स्पोर्ट्स के संघ आमदार चषक 2018 मध्ये पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे। अंतिम सामना आपण पाहतोय बी इंडियन विरुद्ध महिंद्रा स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये। हे प्रेक्षक आपण पाहू शकता अच्छी गेंदबाजी रही थी गैसुद्दीन के स्पेल की, कुल मिलाकर 16 रन दिए और 2 विकेट ली। निश्चितच गैसुद्दीन याने या स्पर्धेमध्ये फलंदाजी मध्ये काही विशेष करता आलं नाही मात्र गोलंदाजी मध्ये अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे। यावेळी अष्टाकौर रिजन मधून चेंडू जमिनीला गत गॅप मधून जातोय, फुटवरचा चांगला ऑफर आपल्याला पाहायला मिळतोय बिलाल शेख कडून। निश्चितपणे आपल्या संघासाठी 2 धाव वाचवलेत। पीस ऑफ फील्डिंग, क्या बढिया ड्राइव किया था ये देखिए, फुल पे लेकर गैप में बहुत तेज निकल रही थी, दूर से आए थे बिलाल शेख, बहुत बड़ा एरिया कवर किया, आखिरी मोमेंट पर ये देखिए रिले फील्डिंग 2 रन बचाते हुए। यावेळी अतिशय उत्कृष्ट चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, ब्लॉक होल मध्ये हा चेंडू आताला होता राजू बोगायने। ब्युटिफुल बॉल, ब्युटिफुल बॉल इंडीड, स्विंगिंग यॉर्कर एंड मुनाफ विथ द शॉर्ट बैक लिफ्ट डिग आउट, लुक एट दैट ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा बैटल राजू बोगा और मुनाफ शेख के बीच में, एक महान बल्लेबाज तो एक महान गेंदबाज। नक्कीच एका बाजूला एक महान गोलंदाज तर दुसऱ्या बाजूला एक महान फलंदाज आपण पाहतोय, चांगलं बॅटल दोघांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय। यावेळी
ओहो एवढा या लाजवाब स्ट्रोक मुनाफ शेख का। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं तो ऑडियंस के दिलों पे छा जाते। क्या फॉलो थ्रू है शॉट में, हल्की सी और पिच गेंद थी, ठीक आंखों के नीचे लॉब करते हुए, और शॉट के फिनिशिंग को देखिए, बल्ला कंधे के पीछे और गेंद बाउंड्री के पीछे, ये देखिए क्या शॉट खेला है, फ्रंट फुट को गेंद के पीछ तक लाए थे मुनाफ शेख। अतिशय उत्कृष्ट बॉटम एंड चा चांगला ऑफर केला होता, डाउन द ग्राउंड खेला होता, सेट हिट क्रिकेट मधील एक सेफ स्ट्रोक ज्याला म्हटला जातोय तो फटका आपण पाहतोय, बुम बुम मुनाफ याच्या बॅट मधून निघाला हा बुम बुम षटकार। स्कोर सांगायचं, स्कोर धावसंख्या वेगाने वाढते, धावसंख्या 6 ने वाढून होते ती 51, अर्धशतक धावपळवर झलकलं गेलेलं आहे बिंड येण्या संघाचं, और अभी भी 8 गेंदे बची है। यावेळी छोट्या बॅकलिपने चेंडूला टोलवलं जाय एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, बिलालला सही का याच्याकडून पुन्हा एकदा अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय, फक्त एकच धाव। एमएलए ट्रॉफी को अगर बी इंडियन जीतती है तो 7 कप जीत जाएंगी, अगर महेंद्रा जीतती है तो 3 नंबर पे आएंगी धनेश कुकसे के बाद 2 कप के साथ। यावेळी हो हो या उडाया। आज वाकई में रवि वार और जावेद वार पे वार कर रहे, कितने पे बल्लेबाजी कर रहे मेगा फिनाले में जावेद, तीसरा सिक्सर लगाया उन्होंने, 2 चौके लगाए, 28 पे बल्लेबाजी, लेंथ में चुके थे वहां पर राजू बोगा, और ये देखिए पहले ही फ्रंट फुट पे आए, स्टीव वॉ के अंदाज में घुटनों के बल बैट के शॉट को खेला, बढ़िया बैठक स्ट्रोक 6 रन। अतिशय उत्कृष्ट फटका अपन बताए, गुडघ्यावर बसून हा फटका मारला होता हेन्सी क्रोनी आणि स्टीव वॉ जे फलंदाज अंतरक्षेत्र मध्ये आपण पाहिले होते त्यांच्या प्रमाणे हा फटका खेळला होता फलंदाजाने। आप देख सकते हैं पकड़ा, नक्कीच षटकारांची हॅट्रिक, विकेटची हॅट्रिक किंवा रसिक प्रेक्षकांनी जर झेल घेतला तर सचिन रघुनाथ तरे भादवड यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आणि भरपूर त्यांच्या त्या पारितोषिकाचा स्वीकार बऱ्याच जणांनी केलेला आहे, त्याचा लाभ सुद्धा घेतलेला आहे। हे आपण आमचा मान्यवर कक्ष पाहू शकता, या स्पर्धेचा 11 दिवस आहे, 11 आयपीएलला कालपासून सुरुवात झालेली आहे। आप देख रहे हैं एमएलए ट्रॉफी 2018, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आमदार रुपेश मात्रे, लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, महेंद्रा स्पोर्ट, मयूरेश स्पोर्ट, गावदेवी भादवड़ और भाविक इंटरप्राइजेस की जानिब से। हे प्रेक्षक अपन पाहू शकता मैदान मधले कुठली जागा आपल्याला रिक्त दिसत नाही, नक्कीच पारितोषिक वाढते, चौकार नक्कीच, षटकारांची हॅट्रिक, विकेटची हॅट्रिक आणि निश्चितच रसिक प्रेक्षकांनी झेल घेतला तर 1000 रुपये। ये टेरेस पे सामने जो ऑफिस है उसके टेरेस से दर्शक मजा ले रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है, ये शाम नाइट गैलरी, खचाखच भरलेली गैलरी अपन पता है, स्वर्गीय श्याम नाइट गैलरी रिगल स्क्वेअर च्या ऑफिस मध्ये जे रसिक प्रेक्षक उभे आहेत आपण बसून घ्यायचे शांतपणे धावू नका। गोलंदाजमध्ये परिवर्तन होत आहे, गोलंदाजीसाठी स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीकडून हरीश, शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी आलेला आहे, सामना करेल फलंदाजचा मुनाफ, एक शॉर्ट टर्न मॅन एक शॉर्ट फायनल एक आपण पाहतोय, तर क्षेत्रक्षेप सीमारेषेशी लगत तैनात केलेले आहेत, विखुरलेले क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता। यावेळी फुलटाच चेंडू आणि सीमारेषे जवाहर चेंडू षटकार, तोहफा दिया था वहां पे बीमार, नो बॉल का इशारा, तोहफा दिया, इसे कहते हैं कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, 7 रन आए वहां पर इस गेंद पर, खराब गेंद से शुरुआत करते हुए हरीश पाटिल।
ये देखिए बीमार थी, उसे भेज दिया मुनाफ ने डीप वाइड स्मिथ विकेट पर 6 रन। सोने पे सुहागा 7 धावा मिलाले त्या चेंडूवर आणि पुढील चेंडू असणार आहे फिट। उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढील चेंडू असणार आहे फिट। बिना खुले रखे आप क्रिकेट भी नहीं देख सकते। यावेळी अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, एक चोटी धाव पूर्ण करता फलंदाज। लेखबायचा इशारा होतोय, लेखबायच्या रूपाने एक धाव पूर्ण करतात आणि एका धावेने भेंडेन संघाची धावसंख्या ओढून होती ती 66। अब 5 गेंदे बची और ये 5 गेंदे दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाली गेंदे। नक्कीच हे दोन चेंडू दोन्ही संघाच्या दृष्टीने अतिशय, 5 चेंडू दोन्ही संघाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण असणार आहेत। शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे, हरेश शेवटचे षटक आतालतोय। यावेळी स्वक्षेप, हो हो चेंडू सीमारेषेवर षटकार। ये जो जावेद है इनको ये इलाका बहुत पसंद है। खराब गेंद नहीं थी, शॉट अच्छा था, स्लॉग स्वीप किया था स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से उन्होंने अपने घुटने को जमीन पर रखा और गेंद जब बल्ले से निकली उस पर मोहर थी 6 रनों की। अब कहीं ना कहीं कप्तान सचिन गायकवाड, बिलाल शेख, गयासुद्दीन चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि 72 रनों पे पहुंचा स्कोर। जावेद पाटिल एमएलए ट्रॉफी में बॉल लेके भाऊ पाटिल जितनी बार मैदान में गए मैराथन में दौड़ते तो नासिक पहुंच जाते। जावेद यांनी अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केलेली आहे। वैयक्तिक 36 धावसंख्येवर खेळतोय हे आपण पाहू शकता। यस लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे को दिखाया जा रहा है। बाला तरे हैं, ओम साई अटोकिंग के प्रोपराइटर सुरेंद्र पाटिल हैं और बेंजो पार्टी गावदेवी बेंजो पार्टी ब्रास बैंड। बेंजो नहीं है, बेंजो वाला अलग रहता है, ब्रास बैंड पतंग है। धाव संख्या अपन पता है 72, लॉस ऑफ 3 विकेट। 72 धावा 3 गड्यांचे मोबदल्यात वेंडेन संघ अंतिम सामना अपन पाहतोय दोन बलाढ्य संघामध्ये मेगा फिनाले। यावेळी चांगला चेंडू होता, चेंडू ते फेस थोडस गतीमध्ये फरेत केला होता। लेग बायच्या रूपाने एक धाव पूर्ण करता फलंदाज आणि एका धावेने धावसंख्या ओढून होते 73। अच्छी वापसी की थी हरेश ने, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, एक रन जरूर आया लेग बाय का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 गेंदे बची हरेश पाटिल के सोवर की, सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी। यावेळी इनसाइड आउट डीप कवळा, चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र शेवटच्या क्षणी चेंडू सुटला होता हातातून। आउट स्टँडिंग परफॉर्मन्स फ्रॉम राजू बोगा, सेविंग 2 रन्स बिकॉज लुक एट दॅट मुना पिक्स ऑन द हाफ वॉली एंड फर्मली ड्रिवन बट इक्वली स्टॉप फ्रॉम राजू बोगा। निश्चितच सूर मारला होता आणि 2 धाव आपल्या संघासाठी वाचवलेले आहेत, मात्र 2 धावा घेण्यापासून भेंडेन संघाला रोखू शकले नाही। 2 धावीने भेंडेन संघाची धावसंख्या झालेली होती 75। लास्ट सुनील फोगळे शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे। आपण जो सामना पाहताय त्या भेंडेनना विरुद्ध महिंद्रा स्पोर्ट्स दोन बलाढ्य संघामध्ये चेंडू होतो, पेस पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन, आडवे बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता। हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, फुलर लेंथ की थी। अब आखिरी गेंद पहले इनिंग की मेगा फिनाले की आने बाकी है। भिंडियन का स्कोर 75 रन। ये देखिए बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन ट्रॉफी के मोर को इस वक्त सारी दुनिया देख रही है। निश्चित या अंतिम सामन्यानंतर सर्व जग पाहिल। यावेळी करारा स्ट्रीट ड्राइव्हचा फटका, लॉंग ऑफ आणि लॉंगांच्या मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय। 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज आणि या 2 धावीने भेंडेन संघाची धावसंख्या होते ती 77 रन हुए और 78 रनों की चुनौती एमएलए ट्रॉफी 2018 को
जीतने के लिए महिंद्रा के सामने भी इंडियन ने रखी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे ऑफिशियल अनाउंसर रवि और मनोज तरे सर के पास। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। आमदार चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्व हार्दिक स्वागत आहे। ग्रँड फिनाले आपण पाहतोय आमदार चषकातील आज शेवटचा सामना आणि बी इंडियन वर्सेस महेंद्र स्पोर्ट। प्रमोद राजाराम पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे, त्यांचं स्वागत करायचं आहे। त्यानंतर हनुमान म्हात्रे दादांचं सुद्धा स्वागत करायचं आहे। धन्यवाद। व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे। वज्रेश्वरी माता सेवा मंडळ टेमगरवाड्याचे अध्यक्ष प्रभाकरजी गुडवे यांनी आमदार चषकाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। धन्यवाद। मंडळी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित तमाम रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे। दिस इज अ मेगा फिनाले एमएलए ट्रॉफी 2018। रसिक प्रेक्षकांनी क्रीडांगणामधून येऊ नये प्लीज, कोई भी दर्शक अंदर से नहीं आएगा। भिवंडीच्या रसिकांनी आमदार चषकाला खरोखर उदंड प्रतिसाद दिलाय। खचाखच भरतोय छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण। प्रत्येक ठिकाणी आपण नजर टाकली तर संजयभाई म्हात्रे खुश आहेत, कारण 6व्या वर्षातला हे इव्हेंट अतिशय सक्सेसफुल आहे। जबरदस्त रसिकांची गर्दी, पाहुण्यांचा उदंड प्रतिसाद आणि त्याचबरोबर भिवंडी 40+ रेगुलर, न्यू 40+ आणि भिवंडी सिटी या त्रिवेणी संगमातून निश्चितच सजतय आमदार चषक। आपण पाहतोय की न्यू 40 मध्ये जोशी 11 हा संघ अंतिम विजय झालेला आहे आणि 40 रेगुलर मध्ये निश्चितच जय बजरंग कारिवली हा संघ विजेता झालेला आहे। आणि पाहूया चालू असलेल्या सामन्यामध्ये कोण विजेता होतोय, पण जो चांगला खेळेल तो विजेता होईलच मनोहर। नक्कीच नक्कीच शिवसेना जिल्हाप्रमुख आदरणीय प्रकाशजी पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण आमदार चषक 2018 ला नक्की शुभेच्छा द्यायच्या आहेत आणि आपलं मनोगत व्यक्त करायचंय। जिल्हा परिषद ठाणे बांधकाम समिती सभापती ग्रामीण सम्राट आदरणीय बाळ्यामामा म्हात्रे साहेब आमदार चषक 2018 ला शुभेच्छा देत आहेत। आमदार चषक 2018 आजच्या अंतिम दिनी या स्पर्धेसाठी उपस्थित आदरणीय जिल्हाप्रमुख प्रकाशजी पाटील साहेब, सन्माननीय आमदार शांतारामजी मोरे साहेब, उपमहापौर मनोजजी काटेकर साहेब, सर्व बाळारामजी चौधरी साहेब, सर्व महानगरपालिकेतील नगरसेवक, भिवंडी शहर आणि ग्रामीणमधील सर्व कार्यकर्ते, स्पर्धेतील सहभागी संघ, सर्व खेळाडू आणि खास करून हा चषक पाहण्यासाठी अलोट गर्दी केलेले भिवंडीतील तमाम प्रेक्षकवर्ग, या स्पर्धेच्या निमित्ताने सर्वप्रथम मी संजयभाई म्हात्रे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। 6 वर्ष सतत चालू आहेत, पण 6व्या वर्षात
सगळ्यात चांगली म्हणजे चांगलं नियोजन मी इथं पाहिलं आणि मी पहिल्याच दिवशी जेव्हा आलो होतो तेव्हा संजय भाईंना शुभेच्छा दिल्या होत्या. पुन्हा एकदा शुभेच्छा सोबत अभिनंदन करतो आणि मी आमदार साहेबांना एवढंच सांगेन, आपले अनाऊन्सर सतत सतत बोलत राहतात की भिवंडीती आन बान शान, तुमची ही आन बान शान अशीच सदोदित राहो यासाठी देवी मातेची प्रार्थना करतो. आणि खास करून तुमच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून भिवंडीकरांना जो आनंद आणि उत्साह मिळतो, खास करून आमच्या तरुण वर्गाला, त्यासाठी देखील त्यांना मिळणारा आनंद उत्साह अखंड आयुष्य मिळू दे आणि त्यासाठी तुम्हाला देखील उदंड आयुष्य लाभू दे आणि देवी माता तुम्हाला शक्ती देऊ दे की आयुष्यभर असेच कार्यक्रम तुमच्या हातून होत राहावे आणि तुमच्या या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आमच्या भिवंडीकरांना आणि आमच्या तरुण वर्गाला आनंद आणि उत्साह मिळो ही एक शुभेच्छा आणि सदिच्छा व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा संजय भाईंचं अभिनंदन करतो आणि आमदार साहेबांना शुभेच्छा देतो, माझी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, आपण अतिशय मनपूर्वक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. मुख्य गेट जवळ कृपया गेट थोड्या वेळात उघडायचं आहे, कारण तिथे सन्माननीय भिवंडी शहर महानगरपालिकेचे महापौर जावेद दळवी साहेबांचं आगमन होत आहे, आपण तयारीत राहायचंय. वकील संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय अल्पेश भोईर साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, मी त्यांना विनंती करतोय आपण पुढे यायचंय. डीजे वकील संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय अल्पेशजी भोईर साहेब त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. अल्पेशजी भोईर साहेब कल्याणचे आहेत, त्यांचं आमदार चषक 2018 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. त्यानंतर मी विनंती करतोय शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रमुख माननीय श्रीमान प्रकाशजी पाटील साहेब आपण शुभेच्छा द्याव्यात. राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा. वंदने शिवसेना प्रमुख, वंदने धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांना नतमस्तक हो. आजच्या आमदार चषक या फायनलच्या 2018 या अंतिम दिवशी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्मान्य व्यासपीठ, मोठ्या संख्येनं क्रिकेटवर प्रेम करणारे क्रिकेट रसिक आणि या क्रिकेटच्या महासंग्रामामध्ये सहभागी झालेले सर्व क्रिकेट खेळाडू, सुरेशजी म्हात्रे आणि आमदार रुपेशजी म्हात्रे साहेब यांना उदंड आयुष्य लाभो. असंच क्रिकेटचं या ठिकाणी अनेक वर्ष सातत्याने या भिवंडी वासियांना हा आनंद पाहता येवो त्याच्या मागचा बोलण्याचा हेतू त्यांचा जो आहे तो आपण कायमस्वरूपी आमदार म्हणून या मतदारसंघातनं निवडून यावा आणि आमदार चषक सातत्याने या ठिकाणी होत राहावा अशा स्वरूपाची भावना आहे, त्याची प्रगती झालेली आहे. ठाणे जिल्हा परिषदचा बांधकामचा सभापती आहे, त्याच्यामुळं नक्कीच स्वाभाविकच आहे भावना त्याच्या मनातल्या या व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या या मतदारसंघातल्या सन्माननीय सर्व पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांच्या आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण अनेक वर्षापासून सातत्याने मी उद्घाटनचा सामना आणि बसेस वितरणचा हा सातत्याने 6 वर्षापासून मी येत आहे आणि म्हणून यावर्षी संजय म्हात्रे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, कारण यावर्षी नक्कीच चांगला दरवर्षापेक्षा जास्त प्रतिसाद आहे आणि चांगला नियोजन आहे. क्रिकेटवर मनापासून तो प्रेम करत आहे, त्याच्यामुळं त्या खेळाबद्दल त्याची आवड आणि सगळ्यांबरोबर त्यांचे असलेले क्रिकेटच्या माध्यमातून आलेले संबंध, या ठिकाणी दुसरं एक महत्त्वाचं सर नेहमी म्हणत असतात का याच्यामध्ये सर्व जाती धर्माचा सलोका, हा अखंडता एकता आणि या सगळ्या या ठिकाणी सगळ्याचं दर्शन आपल्याला सर्वांना होतो आणि म्हणून क्रिकेटच्या खेळाच्या माध्यमातून सर्व समाजातल्या सर्व थरातल्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी एकत्र येऊन जी गोष्ट या ठिकाणी खेळाच्या माध्यमातून साजरा करता येतो त्याच्यामुळं नक्कीच आपल्यामध्ये सगळ्यामध्ये बंधुभावाची भावना
भाईचारा वाढत असतो आणि म्हणूनच या ठिकाणी या व्यासपीठावर सुद्धा सर्व वेगवेगळ्या क्षेत्रातले वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातले सगळ्या जाती धर्माचे लोकप्रतिनिधी नेते सगळे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला सर्वांना मनापासून जावेद भाई महापौर भिवंडी महापालिका आम्ही जावेद भाई हेच म्हणत होतो का या खेळाच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या लोकांना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना भारतीय एकता टिकवण्यासाठी या खेळाचा एक आपल्याला सगळ्यांना आधार मिळत आहे आणि म्हणून मनापासून या ठिकाणी आपल्या या आजच्या फायनलच्या क्रिकेटच्या फायनलच्या गेममध्ये आपलं सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आमदार रुपेशजी म्हात्रे साहेब आणि आमदार संजय म्हात्रे साहेब यांना दोघांनाही मनापासून शुभेच्छा देतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सन्माननीय शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रमुख सन्माननीय प्रकाश पाटील साहेबांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. भिवंडीचे सन्माननीय महापौर भिवंडी शहर महानगरपालिकेचे सन्माननीय महापौर जावेदजी दळवी साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आनंदजी गजरे साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. गजाननजी शेटे साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अंदाज शोक 2018 मध्ये व्यासपीठावर सन्माननीय आनंदी गजरे साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. शिवसेना गटनेते संजय भाई म्हात्रे आपल्याला विनंती करतोय की सन्माननीय आनंदजी गजरे साहेबांचं आपण आमदार चषक 2018 मध्ये अंतिम सामन्याच्या वेळेला साहेब आलेले आहेत. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागत. अंदाज चषक 2018 मध्ये उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतोय क्रिकेटचा महासंग्राम भिवंडीतील एकता अखंडता सामाजिकरण जपणारा भिवंडीतील प्रत्येकाच्या घराघरात आणि प्रत्येकाच्या मनामनात अधिराज्य निर्माण करणारा तुमचा आमचा सर्वांचा लाडका चषक आमदार चषक 2018 मध्ये सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सुस्वागतम. मनोहर आपण पाहुण्यांना जो मोमेंटो देतो त्याच्यामध्ये अशोक स्तंभाचं निश्चित चिन्ह आहे. त्याचा अर्थ असं की संपूर्ण भारत हा एकात्मतेने व्यापलेला आहे आणि क्रिकेट सुद्धा त्याच्यामध्ये रंगतोय. सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. आपण धन्यवाद मनोहर तरे. दोस्तों आइए लौट चलते चुनौती भरे फाइनल मुकाबले की तरफ. 78 का लक्ष्य है और इनिशियल ओवर के लिए कमेंट्री के लिए आ रहे हैं कमेंट्री की जान शाहिद खान. बहुत बहुत शुक्रिया बाबे सर. पहली वो लेकर इस वक्त यासिर. प्रिंस मूवीचे कॅमेरामॅन शेनू यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना लक्ष लक्ष शुभेच्छा. यासिर राइट आर्म राउंड विकेट से बिलाल के लिए. पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी. उतना एक दर्शनीय स्ट्रोक कार्पेट के सारे खेला गैप में. गेंदबाजी श्रृंखला पर थोड़ा सा अब इस फील्ड दानिश द्वारा और दो रन से खाता खुलता हुआ इस वक्त बिलाल का खाता खुलता हुआ महेंद्र स्पोर्ट्स का. यस मेगा फिनाले तो स्ट्रेटजी को चेंज किया गया है. बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट यासिर शेख जो पूरे एमएलए ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से हवा खड़ा कर रहे हैं उनसे ही शुरुआत की है. कप्तान ने अपनी गेंदबाजी से शुरुआत की है. बिल्कुल 78 रनों का लक्ष्य भावे सर फ्लड लाइट की रोशनी में मुश्किल जरूर है लेकिन अगर हम देखें यहां पर तो महिंद्रा की बैटिंग के सामने कुछ भी नहीं. इस बीच गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर की गेंद किनारा लगा डायरेक्ट हिट करने की कोशिश निशाना चूका मुनाफ का एक रन पूरा. थोड़ा सा जोखिम लिया था वहां पर कल्पेश बबलू ने. नॉट अ वेरी गुड स्ट्रोक प्लेड बाय बिलाल शेख. यू कैन सी देयर कॉर्नर ऑफ द क्रीज कौन डिलीवरी ठीक एज ऑफ द बैट रोज टू मुनाफ शेख. बिल्कुल अगर गेंद डायरेक्ट हिट होती तो बबलू को वापस जाना होता. यासिर शेख जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की क्वार्टर फाइनल मुकाबले में और सेमीफाइनल मुकाबले में. देखना है मेगा फिनाले में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं. मौजम मकबा ने दोनों ही टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्र स्पोर्ट्स और बिडनियन को. पटकी भी गेंद बहुत ही खूबसूरत शरीर के करीब रखा था इस बार लेग कट करने की कोशिश डॉट. ब्यूटीफुल बॉल राइजिंग डिलीवरी.
Yasir Sheikh is the patient, curious bowler in Taluka cricket. You can see their rising delivery and just pass the bat. 13 का रिक्वायर्ड रन रेट है बाबे सर, और यहां पर शुरुआत अच्छी करनी होगी महेंद्र को अगर मुकाबले को जीतना है। अहमदाबाद चषक का मेगा फिनाले चलता हुआ, इस बीच अगेन ओवर पिच थी, लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, उड़ाया और आउट हो गए कल्पेश बबलू, खाता भी नहीं खोल पाए। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त महेंद्र स्पोर्ट्स का। कल्पेश बबलू के लिए एमएलए ट्रॉफी इतनी अच्छी नहीं रही, आउट होके जा रहे हैं। तीन पे पहला झटका लगता हुआ, ये देखिए दूर से खेला था, एलिवेशन नहीं था शॉट के पीछे, कोई गलती नहीं की वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन हासिब ने। बड़ी विकेट यहां पर पहली कल्पेश बबलू, खाता भी नहीं खोल पाए। कमेंट्री पैनल को भी मौजम अकबा ने इस वक्त मुबारकबाद दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बल्लेबाजी के लिए इस वक्त सुजीत नायक, देखना है सुजीत नायक को इस वक्त ऊपर भेजा है हार्ड हिटिंग के लिए। सुजीत नायक किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, कैप्टन यासिर बहुत बढ़िया गेंदबाजी अभी तक अगर हम देखें तो, सिर्फ 3 रन दिए, 1 महत्वपूर्ण विकेट इस वक्त लेने में कामयाब हुए। 78 रनों की चुनौती, 13 का रिक्वायर्ड रन रेट। यासिर शेख एक युवा कैप्टन का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन। यासिर इस बीच अगेन बीमार, नो बॉल, बीमार गेंद थी। हरेश पाटिल कर चुके थे महेंद्रा की तरफ से, अब यासिर शेख ज्यादा ही तेज करने की कोशिश में अपने लेंथ पे कंट्रोल नहीं कर पाए। फ्री हिट मिलता हुआ और फ्री हिट को लेने जा रहे हैं बिलाल शेख। बिल्कुल अब यहां से मौका बना है मैं कहूंगा महेंद्रा के लिए बाबे सर, जो एवरेज ये देखिए सही निर्णय अंपायर अमित सालवी का, बिलाल शेख के लिए यहां पर मौका फ्री हिट। स्कोर अगर हम देखें तो 5 रन और यासिर ज्यादा तेज करने की कोशिश की गई थी बाबे सर, और वहां पे थोड़ा सा अपने दिशा से भटके। फ्री टैप देखना है बिलाल फ्री का कितना फायदा उठाते हैं। यासिर आइटम राउंड विकेट से इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, गेंद हवा में जरूर है, पॉइंट की दिशा में 1 रन बना, दूसरे का कॉल और आसानी से 2 रन इस वक्त पूरे। चेस करके खेला था वहां पर, उनको पता था फ्री हिट है, अगर कैच जाता भी है तो नुकसान नहीं होगा। स्कोर इस वक्त 7 रन, पहले ओवर का खेल चलता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पे महेंद्र, 78 रनों का लक्ष्य। सन्माननीय इरफान भाई वायरमैन यांचं स्वागत झालेलं, नगरसेवक भिवंडी महानगरपालिका ज्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सीरीज टू व्हीलर बाइक स्पॉन्सर आहे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम सुस्वागतम। बरोबर प्रभाग समिती क्रमांक 4 चे सभापती आहेत इरफान भाई वायरमैन, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। बिलकुल इस बीच डॉट गेन, बहुत अच्छा ओवर हम कहेंगे कैप्टन का, 7 रन 1 विकेट कल्पेश बबलू का हासिल किया वहां पर यासिर ने। यस, यहां से 5 ओवर में 71 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है वो 14 के ऊपर चला गया है। इरफान अदीस अंसारी हमसे जुड़ते हुए विद्यमान नगर सेवक भी है और क्रमांक 4 के सभापति भी हैं, आपका इस्तकबाल है एमएलए ट्रॉफी 2018 में। अफसानवी शख्सियत जावेद दलवी साहब भी हमारे बीच में, मेयर बबन पाटिल जी हैं, साथ ही साथ थाना जिला ग्रामीण प्रमुख प्रकाश जी पाटिल हैं, भिवंडी ग्रामीण के सम्माननीय आमदार, धन्यवाद कमिटी बॉक्स आमदार चषक 2018 मध्ये त्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सीरीज टू व्हीलर बाइक स्पॉन्सर इरफान भाई अंसारी, सन्माननीय नगरसेवक व सभापती प्रभाग समिती क्रमांक 4 साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं, वेलकम सुस्वागतम आमदार चषक 2018 मध्ये, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे।
भिवंडी शहर महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक प्रभाग समिती क्रमांक 4 सभापती इरफानजी वायरमन साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तसेच अफजल भाई सय्यद यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. वेलकम सुस्वागतम. अफजल भाईंना विनंती करतो की आपण पुढे यायचंय. वेलकम अफजल भाई एमिली ट्रॉफी 2018. धन्यवाद. ओ टू कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू. दूसरा वाले कर उजैर टू सुजीत. बहुत बढ़िया गेंद थी, विकेटों में आ रही थी, वहां पर सम्मान देते हुए खेला सुजीत ने. स्ट्राइक को रोटेट किया बिलाल के लिए. एक रन से स्कोर इस वक्त 8 रन. बिल्कुल इस एंड से कल से उजैर बहुत महंगे साबित हो रहे थे, इसलिए उनके एंड को अब चेंज किया गया. देखना है एंड बदलने से पिक्चर बदल जाती है या नहीं. रॉयल डेवलपर्स के हमारे बहुत ही करीबी दोस्त इरफान हदीस अंसारी जी नगर सेवक, उनका आगमन हुआ है. मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर अफजल भाई का भी इस वक्त आगमन. रॉयल मोटर्स के उनका भी वेलकम है. आमदार जशक 2018 में इरफान भाई, इरफान हदीस अंसारी का रोल भिवंडी तालुका में बहुत अहम है. ना उनकी कोई टूर्नामेंट है ना कुछ है, लेकिन बाबे सर जो हर टूर्नामेंट को उन्होंने सपोर्ट किया है, हर बड़े मेगा इवेंट में उनका मैन ऑफ द सीरीज जो देना, ये क्रिकेटरों का उत्साह बढ़ाने के बारे में. बीच गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश अपील और इसी के साथ बिलाल शेख आउट. बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस गई है और फिर से बड़े मैच के खिलाड़ी छोटा परफॉर्म करके आउट हुए बिलाल शेख. कहीं ना कहीं टाइम करने की कोशिश की थी. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे किस तरह से आउट हुए बिलाल शेख. उजैर का एंड बदलना मानो किस्मत को बदल रहा है वी इंडियन के. ये देखिए थोड़ी सी हवा में भी स्विंग हुई थी गेंद, मिडल स्टंप पे पाए गए बिलाल शेख. बढ़िया निर्णय अंपायर अमित सालवी का. अमित सालवी एक ऐसे अंपायर जिन्होंने ना कि ठाणा जिला बल्कि पूरे मुंबई में अपने अंपायरिंग से बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी है. थोड़े से इंजर्ड भी थे कुछ समय पहले, उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे बुलावे फिर भी वो यहाँ पर आए. और सभी अंपायरों की अगर बात करें तो लाजवाब अंपायरिंग, चाहे अंपायर रमीज रई, शाहिद मोमिन, सचिन साडम, भाऊ पाटिल, सुनील मात्रे, गोकुलदास पाटिल जी, दिनेश नायक, जिन्होंने अंपायरिंग की शानदार चषक में लाजवाब, सुरेश घरत, हमारे सभी अंपायर्स, चाहे 40+ का मुकाबला हो, चाहे रेगुलर का मुकाबला हो, चाहे कितना भी टफ मुकाबला हो, लेकिन उन्होंने हर चुनौतियों को स्वीकार किया. हमारे इस तरीके के सभी अंपायर्स, और अंपायर्स के बगैर बाबे सर कोई स्पर्धा पूरी नहीं होती. उनका जो रोल रहता है बहुत ही अहम रहता है. कड़ी धूप में अंपायरिंग करना आज के सिचुएशन में बहुत बड़ी बात है. उजैर अब बल्लेबाजी के लिए सुरेश को भेजा गया है. बहुत बढ़िया गेंद, इस वक्त फुल लेन की गेंद थी, लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश. एक रन स्कोर में और बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 9 रन. बहुत धीमी शुरुआत हम यहां पर देख रहे हैं महिंद्र स्पोर्ट्स की, और इसका पूरा श्रेय जाता है गेंदबाजी को, जहां पर पहले ओवर में कैप्टन यासिर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और अब उजैर दोनों ही गेंदबाज एक एक विकेट ले चुके हैं. यहां पर मेगा फिनाले चलता हुआ महेंद्र स्पोर्ट्स बनाम बी इंडियन. इमाम अंसारी ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है बी इंडियन को. जावेद खान साहब अभी इस वक्त हमारे बीच में जुड़ते हुए, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, वेलकम, आपका ही वेलकम है. इस बी फुल टॉस गेंद, स्ट्रोक, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन, 9 बॉल. बीमा तोहफा, तोहफा दिया था वहां पे, गिफ्ट डिलीवरी थी और हाथों हाथ कबूल किया सुजीत नाइक ने. आज उजैर ने काफी तोहफे दिए बाबे सर, 5 रन का 22 का तोहफा भी हमने उजैर के इसमें देखा. ये देखिए स्लॉक, 6 रन, 7 रन का तोहफा, और ये 7 रन में स्कोर में गर्मी आती हुई. स्कोर अब 16 रन, 16 लॉस ऑफ 2 विकेट.
ये देखिए किस तरह से उस शॉट को खेला था, पिछले पांव पे चले गए थे, विद टाइट स्वंग कर दिया था गेंद को, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। फ्री हिट सुजीत नायक, अब देखना है फ्री हिट को किस तरीके से खेलते हैं। नो आर्ग्यूमेंट्स विद अंपायर, सो प्लीज फ्री हिट है, देखना है स्कोर इस वक्त 16 रन, दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। उजैर टू सुजीत नायक, ओवर पिच गेंद सीधे अंपायर ने सर लॉफ किया है और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। What a magnificent stroke played by Sujit Naik down the ground, overhead of the long off fielder, calculated 6. That was a juicy off volley from Uzair. I think Uzair is a from yesterday night so far expensive bowler. Dinesh ke samne 20 run diye, Suna Devi ke samne 24 run diye aur ab yahan par mahenge sabit hote hue। दिनेश के सामने 2 ओवर में 34 और सोना देवी के सामने 24, क्या शॉट खेला है, तीर की मानिन सीधा निकलता हुआ, 6 रन। अब हम कह सकते कि बिल्कुल एवरेज बराबर चलता हुआ, 22 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है बाबे सर, 2 सिक्सर ने मैच में गर्मी यहां पर पूरी तरह ला दी है। 14 रन अब तक खर्च कर चुके हैं अपने 4 ओवर में, 4 गेंदों पर 15 रन दिए हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं। बी इंडियन मिसाइल के सामने अब एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाए जा रहे हैं। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है, देखना है कि 2 गेंदें सुजीत नायक छक्कों के हैट्रिक पर, हैट्रिक पूरे करेंगे तो सचिन तरे की तरफ से ₹500, 1000 रुपए कर दिया गया मेगा फिनाले में सचिन तरे। दर्शकों के लिए भी खुशखबरी है, अगर आप श्याम नायक गैलरी में या आरके स्टैंड में कैच पकड़ते हैं तो ₹500 का इनाम। उजैर टू सुजीत, इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, छोटी गेंद दी, थोड़ा सा नाराज है अपने आप से। डॉट होता है इससे, हालांकि लूजनर थी उसका फायदा नहीं उठा पाए थे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उतनी शॉर्ट गेंद नहीं थी जितना समझ बैठे थे सुजीत। और वो जो कहते हैं कि नाराज होना या मातम करना, सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, आने वाले बैट्समैन में अगर हम देखें तो गैसुद्दीन और सचिन गायकवाड, ये 2 बैट्समैन पे बहुत कुछ निर्भर रहेगा बाबे सर। उजैर तो सुजीत, इस बीच गेंद बहुत ही तेज स्ट्रोक लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आउट हो गए सुजीत नायक। देखिए शाहिद खान, सुजीत ने कहीं ना कहीं अपना टेम्परामेंट था सबर उसको खो दिया। आप 2 सिक्सर लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं उसी तरह शॉट्स के लिए जा रहे थे, अधिक छोटी गेंद नहीं थी, घूम के मारा सीधा आसिफ के पास। एक बात तो जरूर है, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे लेकिन कॉन्सेंट्रेट उनका जो टेम्परामेंट था वो टूट गया। बिल्कुल बाबे सर, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर अगर हम देखें तो 22 रन, मतलब जीत के लिए अभी भी 4 ओवर में चाहिए 56, मतलब अगर एवरेज अगर हम देखते हैं बाबे सर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है जिस तरीके का एवरेज चाहिए था, लेकिन देखना है क्या कुछ होगा। आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं अजय करत। खूब खूब धन्यवाद शाहिद खान, प्रेक्षकांचे अलोट गर्दी आपण पाहतोय। बाप रे बाप, इधर साउंड बॉक्स पे जो लोग चढ़ गए आपको हट जाना है, जाली पे चढ़े दीवार पे चढ़े वो ठीक है, आप साउंड बॉक्स पे ना चढ़े। प्रेक्षकांचा उत्साह ओसंडून वाहतोय, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आमदार चषक 2018 या अंतिम सामन्यामध्ये, ग्रँड फिनाले ऑफ MLA ट्रॉफी 2018।
धाव संख्या 3/22। अजय गलत कौन कहां चढ़ा ये तो नहीं देखना है, लेकिन देखना है कि क्या बल्लेबाजी चढ़ के हो रही है या गेंदबाजी चढ़ के हो रही है। जे प्रेक्षक खाली पाय ठेवून बसलेले आहेत गेटच्या बाजूला त्यांना विनंती असेल आपले पाय वर घ्यायचे प्लीज। पुल केलाय चेंडू हवेत आहे परंतु क्षेत्ररक्षकापासून दूर आणि दोन धावा या ठिकाणी नक्कीच मिळतील सुरेशला, दोन महत्त्वाच्या धावा। धावसंख्या पुढे जाते महेंद्र स्पोर्ट्स संघाची 3/24। देखिए हमारे भाइयों जो दर्शक पैर नीचे करके बैठे हैं आप अपने पैर ऊपर खींच ले, सर पर पैर रख के बैठ जाइए प्लीज, धन्यवाद। आता मात्र प्रतिषटक जवळजवळ 14 धावांची सरासरी राखायची आहे। नवीन फलंदाज ग्यासुद्दीन शेख, सुरेश पारदे आणि ग्यासुद्दीन ही जोडी आता खेळपट्टीवर आहे। सुजितने चांगली फलंदाजी नक्कीच केली होती परंतु दोन षटकार लगावल्यानंतर मात्र फलंदाज बाद झाला। देखना है यासिर शेख वहां पे अंपायर से कुछ चर्चा करते हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने जा रहे हैं। शायद क्रिकेट के उस रूल की बात हो रही है मेरे ख्याल से कि आप एक गेंद अगर राइट आर्म राउंड विकेट करते हैं और दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट करते हैं, शायद एक ही बार कॉल की बात है। क्रिकेट वैसे भी जेंटलमैन का खेल है और टीमों को चाहिए कि अपने जेंटलमैन होने का सबूत दे। शायद अमित सालवी उस बात को ज्यादा जानते थे, बहुत ही सीनियर हैं। तीन फलंदाज नक्कीच बाद झालेले आहेत परंतु धाव फलकावर धाव संख्या देखील चांगली आहे 24 धावा 23 चेंडू शिल्लक आणि या 23 चेंडूंमध्ये अजूनही 54 धावांची गरज। यासिरचा पुढचा चेंडू राईट आर्म ओवर द विकेट, अतिशय वेगवान चेंडू होता, भरधाव वेगाने चेंडू जातोय निघून एष्टेंच्या वरून, निर्धाव चेंडूची सांगता होते। एक्सप्रेस गेंद थी और ज्यादा सफल हो गए थे, ये देखिए टिप्पा खाने के बाद स्टंप्स के ऊपर से जाती हुई विकेट कीपर के पास, पेस बहुत है यासिर के पास और यही कारण है जब आपके पास पेस है तो फिर आपकी शॉर्ट पिच गेंदे बहुत मुश्किल हो जाती है। खरं पाहायला गेलं तर आखूड टप्प्याचा चेंडू नव्हता, फलंदाज क्रीज मध्ये जास्त मागे गेला होता आणि थोडासा उजव्याष्टीच्या बाहेर शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न सुदैव म्हणता येईल पारदीचा की चेंडू इष्टांवर लागला नाही, बाउन्स थोडा जास्त होता। यासिर अगेन स्विंग करण्याचा प्रयत्न, पायचा बॅटला लागलाय की नाही या ठिकाणी धाव आता मात्र मिळेल, ओव्हर थ्रो आणि एक धाव मात्र पूर्ण केली जाते, लेग बायचा इशारा। यासिरने पहिल्या षटकामध्ये देखील अप्रतिम मारा केला होता, फक्त 7 धावा खर्च केले होते आणि एक गडी बाद केला होता। 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अब क्लास तो उनका परमानेंट है और गैसुद्दीन के लिए सबसे सुनहरा मौका है ये साबित करने का कि वो बल्लेबाजी में भिवंडी के एबी डिविलियर्स हैं। कुठेतरी खेल स्लो करण्याचा प्रयत्न आहे बी इंडियनच्या गोलंदाजांचा, मिडल ओव्हरचा खेळ आपण पाहतोय। तिसरा आणि चौथं षटक अतिशय निर्णायक षटक असतं 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये। ग्यासुद्दीनकडे स्ट्राईक आहे आणि क्षमता आहे कुठल्याही चेंडूवर मोठा प्रहार करण्याची। देखिए एक बात है कि अगर गैसुद्दीन एक बार रंग में आ गए तो क्रिकेट के जितने शॉट्स हैं उसके सभी रंग वो सामने ला सकते हैं। अगदी बरोबर, अतिशय दांडगा अनुभव आहे गैसुद्दीनचा, बऱ्याच वर्षांचा अनुभव आहे। एक शॉट थर्ड मॅन आणि एक शॉट एक्स्ट्रा कवर। पुढचा चेंडू राईट आर्म राउंड द विकेट, खोलवर टप्पा पुश करण्याचा प्रयत्न आणि आता मात्र धावचितची संधी, निशाणा चुकलाय परंतु पुन्हा एकदा संधी आहे, फलंदाज बाद। ग्यासुद्दीन ची खेळी संपुष्टात येते। नाही मैं तो समजतो की ग्यासुद्दीन को वापस जाना चाहिए था, जिस तरह से गेंद छूटी थी वो बहुत आगे निकल गए। ये देखिए बड़ी विकेट सस्ते में जाती हुई और ये देखिए खेलना चाहते थे गेंद को कवच में, बल्ले के ब्लेड पे गेंद लगी
अब ये थ्रो पहुंचा, यहां से वो वापस जा सकते थे, गेंद छूटी थी और पहुंच भी सकते थे अपनी क्रीज में। चेंडू कडे पाहत राहिला फलंदाज ग्यासुद्दीन, सुरेश पारधी कडे जास्त लक्ष नव्हतं, सुरेश ने आधीच नकार दिला होता, तर कुठेतरी ही ग्यासुद्दीन ची ही चूक म्हणावी लागेल। नए बैट्समैन सचिन गायकॉट, एक बात कहूंगा अजय गरत, ये वो बैट्समैन है जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये जो सचिन गायकॉट है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दबाव, और जब दबाव रहता है तो ये जो बैट्समैन है, ये जो कैप्टन है, आपने बाली ट्रॉफी में देखा, आपने मापोली में देखा, हर जगह देखा, और निखर जाता है। मैन इन फॉर्म सचिन गायकवाड, ज्याने या सत्रामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केलेली आहे आणि प्रेक्षकांची मन जिंकलेली आहेत आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर। आता मात्र मोठी जबाबदारी आहे, लेकिन आस्किंग रन रेट ज्यादा क्रीप हो रहा है, ये चिंता का कारण है महेंद्रा के लिए। नक्कीच, धावसंख्या 4-25, अजूनही 53 धावांची गरज आहे, फक्त 20 चेंडू शिल्लक, चौकार षटकारांची उधळण करावी लागणार आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला जर हा अंतिम सामना जिंकायचा असेल तर, आमदार चषकावर जर आपलं नाव कोरायचं असेल तर। यासिरचा पुढचा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू होता, यष्टिरक्षकाकडून चूक घडते, मतींच्या हातात चेंडू येत नाहीये, एक धाव मिळते, बाईचा इशारा, धावसंख्या पुढे सरसावते 4-26, पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा आल्या, त्यानंतर ओझेरच्या षटकामध्ये 15 धावा नक्कीच जोडल्या फलंदाजांनी, परंतु दोन महत्त्वाचे फलंदाज देखील बाद झाले आणि या षटकामध्ये अफलातून गोलंदाजी आतापर्यंत केली आहे कर्णधार यासिरने। यासिरने ज्याप्रमाणे बी इंडियन संघाचं नेतृत्व केलंय वाखाणण्याजोगं आहे, प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण पाहतोय की अप्रतिम गोलंदाजी केली, उदाहरण देऊन नेतृत्व करत आहे कर्णधार, कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दुसरीकडे सचिन गायकवाडने सुद्धा तशा प्रकारचा खेळ केलेला आहे। सुरेश पारधीकडे स्ट्राईक, बोल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होत नाहीये, बीट होतोय फलंदाज, क्या गेंदबाजी अजय करत, ढूंढते रह जाओगे, ये देखिए रफ्तार, लेंथ, लाइन तीनों पे कमांड है यासिर को। आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, आखो टप्प्याचा चेंडू नव्हता आणि अशा प्रकारे तिसरं षटक या ठिकाणी समाप्त होते, धावसंख्या फक्त 26 चार गडी बाद, 3 षटकांमध्ये 52 धावांची आवश्यकता, समय में कॉपरेट करना है बी इंडियन, 3 ओवर में 52 रन, मानो 17.33 का आस्किंग रन रेट, समय में सहयोग करे प्लीज। बी इंडियन के कैप्टन आपसे निवेदन है, आपको बार बार टीम मीटिंग नहीं लेनी है, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है प्लीज। बाजू से भी निवेदन, तो आवश्यक रन रेट अब 17.33 रन प्रति ओवर, हर ओवर में कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक्स तो चाहिए, और ये सम्माननीय आपला आमदार सन्मान्य रुपेश दादा मात्रे साहब को दिखाया गया था। देखिए गेम प्लान को चेंज किया गया है, 5वें-4वें ओवर में रकीब को बुलाया है, जो अभी तक सिर्फ आखिरी ओवर करते थे। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि समय के मामले में प्लीज सहयोग करें। जो मेहमान आए हैं वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं, टीमों से रिक्वेस्ट है कि समय पर बात करें। आपको तुरंत ही खेल की शुरुआत करना है, ठीक है, समय काफी हो चुका है और कई मान्यवर्स हमारे बीच है। भिवंडी महानगर पालिकेचे सन्माननीय महापौर जावेदजी दळवी साहेब या ठिकाणी रजा घेत आहेत, धन्यवाद साहेब आपण कार्यक्रमाला आलात, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपलं हार्दिक अभिनंदन आहे, आभार। भिवंडीतील जनतेने या चषकावर खूप प्रेम केलेलं, आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मुठवलचे खांडवलचे उपसरपंच विलास पाटील साहेबांनी आमदार चषकाला खास शुभेच्छा दिलेल्या आहेत।
आज संतोष पाटील यांचे चिरंजीव यश संतोष पाटील यांचा वाढदिवस सुरुवात झालेला आहे. मात्र समय में सहयोग करना है बी इंडियन, क्योंकि मान्यवर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बैठे हैं, हमारे बीच से कुछ मान्यवर निकल रहे हैं. तो बॉलिंग में पहला परिवर्तन साकिब आक्रमण पर, बायत के गेंदबाज, उनके सामने है सचिन गायकवाड. 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 52 रन. लॉफ्ट करने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से चूके. बेहतरीन गेंद, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में, ऑफ स्टंप के बाहर रखा. यस, इस तरह की गेंदबाजी पर आप ऊंचे शॉट तो नहीं लगा सकते. ये देखिए वाइड यॉर्कर थी, ऊपर खेल बैठे थे सचिन गायकवाड. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, साकिब इस बार उछाल दिया है, फील्डर मौजूद और अच्छा कैच. सचिन गायकवाड की पारी भी समाप्त होती हुई. अब मैं कह सकता हूं कि महेंद्र हर तरह की ट्रबल में आती हुई, क्योंकि सचिन गायकवाड इस वक्त शून्य पे आउट हुए. बहुत अधिक एलिवेशन नहीं था और वहां पर खेला जहां पर फील्डर थे, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, सीधे फील्डर के हाथ में. कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने. पूरी तरह से बैकफुट पर इस समय इस फाइनल मैच में महेंद्रा स्पोर्ट्स, 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और गायकवाड खाता भी नहीं खोल पाए. तो तीन बैट्समैन अभी तक शून्य पर आउट हुए हैं. नए बल्लेबाज विशाल पाटिल, विशाल पाटिल एक इनफॉर्म बल्लेबाज जरूर है, लेकिन इस समय जो स्थिति है वो बड़ी ही नाजुक है महेंद्रा स्पोर्ट्स की. ये देखिए कुमार यश संतोष पाटिल, इनका आज जन्मदिन है. बिल्कुल 9 अप्रैल शुरू हो चुका है दिन, आपको हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की. लाजवाब बॉलिंग का प्रदर्शन कैप्टन यासिर ने किया, दो ओवर में 11 रन 1 विकेट. और अब साकिब महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त कर चुके हैं. इनफॉर्म बैट्समैन सचिन गायकवाड को आउट किया है. विशाल के पास स्ट्राइक, एक शॉट थर्ड मैन काफी फाइन है और एक बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट खिलाड़ी. बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, खेलना चाहते थे जरूर लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं. और अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए इस बार मतीन. दिस इज द आउटस्टैंडिंग बॉलिंग सो फार फ्रॉम यंग साकिब. इट हैज बीन अ वंडरफुल ओवर सो फार, 3 डॉट बॉल्स एंड विकेट ऑफ सचिन गायकवाड. इस बार आड़े बैट से खेलना चाहते थे और स्टंप्स कर दिए गए. एक और झटका लगता हुआ महेंद्रा स्पोर्ट्स को. ये मतीन का विकेट है, जिस तरह से उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और पीछे देख रहे थे. ये देखिए विशाल पाटिल समझे कि गेंद पीछे निकल गई है. ये देखिए वो पीछे देख रहे थे, आगे बढ़े और मतीन ने बेल सुरा दिए. किसी जमाने में मनोज गुलवी जयदुर्गा स्पोर्ट के लिए यही कारनामा करते थे. लाजवाब विकेट कीपिंग का नमूना. एक और बैट्समैन शून्य पर आउट होते हुए 26 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. मतीन ने भी काफी दबाव बनाया है यहाँ पर बल्लेबाजों पर, बल्लेबाज आगे नहीं निकल पा रहे हैं. क्रीज से ही खेलने का प्रयास हो रहा है, साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. अब नए बल्लेबाज पप्या खारिक, ये देखिए फिर से रीप्ले में किस तरह से विकेट गिरा है. बैट्समैन को तो पता ही नहीं था कि गेंद कहाँ पर है. एक तो स्ट्रोक का चयन गलत था, फुलर लेंथ गेंद, उसको स्वीप करना चाहते थे खड़े खड़े. शानदार गेंदबाजी साकिब की. बी इंडियन के गेंदबाज पूरी तरह से हावी. एक और अच्छी गेंद, इस बार आयन वक्त पर बल्ला नीचे लाकर खेला है वाइडिश मिड ऑफ पर एक रन के लिए. इक्का दुक्का रनों से तो कोई ज्यादा फर्क बी इंडियन को पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पर जरूरत है महिंद्रा स्पोर्ट्स को चौकों और छक्कों की. स्कोर काफी देर बाद आगे जाता हुआ, 27 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. अब सुरेश पारदी के पास स्ट्राइक है, जो कि बायत के बैट्समैन है. तो फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, समीकरण काफी कठिन इस समय. 51 रन चाहिए, मात्र 13 गेंदे शेष. चमत्कारिक पारी खेलनी होगी किसी ना किसी बैट्समैन को यदि महेंद्रा स्पोर्ट्स को यह मैच जीतना है. तो ओवर की आखिरी गेंद, इस बार स्वीप किया है, फील्डर है वहां पर साइबान है और सिंगल से संतुष्ट होते हुए सुरेश पारदी. तो स्ट्राइक सुरेश पारदी के पास रहेगा अगले ओवर के लिए. दो ओवर का खेल शेष है, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. स्कोर मात्र 28 रन 6 विकेटों के नुकसान पर और बचे हुए दो ओवर्स में ठीक 50 रनों की जरूरत.
बहुत बहुत धन्यवाद अजय गढ़त। दो ओवर में 50 रन चाहिए, मानो ऐसा है कि दो सिल्वर जुबली हीरो चाहिए। आप बहुत मजबूत स्थिति में, बी इंडियन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको तुरंत ही आपका फील्ड सजाना है प्लीज। दो ओवर में 50 और देखना है गेंदबाजी को किसको बुलाया जाता है। इस एंड से अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी रकीब के कांधों पे दी है। दो ओवर 50 रन, मानो यहां हिट आउट और गेट आउट की स्थिति आ चुकी है। 25 का आस्किंग रन रेट चाहिए अजय। और गेम प्लानिंग जरा देखिए बी इंडियन का, पिछले दोनों मुकाबलों में उनके गेंदबाज कहीं ना कहीं पिट रहे थे, उसको देखते हुए गेंदबाजों की जो छोर है वो ये फाइनल मैच के लिए बदले गए हैं। यस, जहीर भिवंडी के जहीर खान, इन्होंने सेमीफाइनल में उस एंड से 4 सिक्सर खाए थे, उनको इस एंड से बुलाया गया है। इस एंड से उजैर महंगे साबित हुए, उनको उस एंड से लगाया गया। बिल्कुल, वीआईपी एंड से उजैर गेंदबाजी कर रहे थे तो उनको इस फाइनल मैच में स्वर्गीय श्याम नाइक एंड से गेंदबाजी दी गई। और अब वीआईपी एंड से रकीब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सुरेश पारदी के लिए सिर्फ मौका यह है कि हाथों को खोलना होगा। रकीब 50 रन चाहिए महेंद्रा को। इस मरतबा गेंद को लॉफ किया गैप में और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। वेलकम बाउंड्री कही जा सकती है ये महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। जरूरत है ऐसे स्ट्रोक्स की, लगातार ऐसे शॉट्स खेलने पड़ेंगे। देखिए टॉप ऑर्डर में बिलाल नहीं चले, कल्पेश नहीं चले, सुजीत थोड़ा बहुत अच्छा खेले, 2 सिक्सर लगाए, थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गए, गैसू नहीं चले और सचिन गायकॉट भी नहीं चले। मेरे ख्याल से सुजीत ने जिस तरह से शुरुआत की थी उनको कहीं ना कहीं क्रीज पर रुकना चाहिए था। खींचा था बल्ले पर, खींच के मारा गैप में, जावेद को मौका नहीं। 4 रन, 11 गेंदे 46 रन। रकीब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए सुरेश पारदी के लिए। इस मरतबा गेंद को हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बढ़िया प्लेसमेंट सुरेश पारदी, अब कहीं ना कहीं आक्रामक हो गए हैं। 2 लगातार चौके और थोड़ा सा दबाव आता हुआ गेंदबाज रकीब पर। यस, थोड़ा देर से जागे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं जहां से जागे वहीं सवेरा। अब 10 गेंदे शेष है और 42 रनों की जरूरत। साहबान फक्की कुछ समझा रहे हैं रकीब को, 10 गेंदे और 42 रन। ये देखिए जो समर्थक जा रहे थे उनके पांव रुक गए 2 चौकों की वजह से, क्योंकि क्रिकेट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, इसमें पहले से आप गणना नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रकीब इस मरतबा फुलर लेन की गेंद, ऑफिस स्ट्रोक खेला है, जावेद मौजूद है डीप में, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बेहतर दिशा और बेहतर लंबाई वाली गेंद थी और इस गेंद को उठाकर खेलना बहुत ही मुश्किल था। ग्राउंडेड शॉट खेला और केवल सिंगल। 37 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था, पैरों में गेंद को रखा था, ताकत नहीं लगा पाए, टक किया था गेंद को जावेद के पास। 37 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 9 गेंदे बची है, 41 रन चाहिए। सामना करे पपिया खारिक रकीब का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए मतीन प्लीज कॉपरेट अस। रकीब पपिया के लिए बहुत खूबसूरत गेंद, वाइड यॉर्कर ऊपर खेल बैठे, बहुत खूबसूरत गेंद। बड़े ही चतुर खिलाड़ी है मतीन, पूरा ध्यान रहता है उनका ग्राउंड पे कहां पर कौन सा फील्डर है। और ये देखिए फुलर लेंथ, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की कोशिश लेकिन बीट हुए, बढ़िया विकेट कीपिंग।
तो ये गेंद डालने से पहले छह खिलाड़ी थे ऑन साइड में, लेकिन फाइनल का जो शॉट खिलाड़ी था उसको उन्होंने ऑफ साइड में लिया। रकीब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से चॉप करने की कोशिश, फिर से बीट, बढ़िया विकेट कीपिंग, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन विकेट कीपिंग, बी इंडियन राइट ऑन टॉप। दोनों अंपायर से एक ही रिक्वेस्ट है कि मैच समाप्त होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बेल्स को अपने पास लेना है। क्या कमाल की वापसी की है दो चौके लगने के बाद रकीब ने। रकीब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फिर से खेलने की कोशिश, फिर से बीट किया। आप एक ओवर में 41 रन, अभी तक आपकी बार सिटी क्रिकेट में बी इंडियन की सरकार। पूरी तरह से ये मैच बी इंडियन के पक्ष में झुक गया है, अब तो केवल औपचारिकता है शेष। यहां से तो कोई चमत्कारी हार से बचा सकता है महिंद्रा स्पोर्ट्स को। कहीं ना कहीं सुजीत नाइक जब तक खेल रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी कर दी, जब आपने दो सिक्सर एक ओवर में लगाए, आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके टेम्परामेंट को खोना नहीं चाहिए था। निश्चित रूप से यहाँ पर साहस के साथ ही धैर्य की भी परीक्षा थी। साहस तो बहुत दिखाया बल्लेबाजों ने, लेकिन धैर्य कोई भी बल्लेबाज नहीं दिखा पाया। जल्दी जल्दी विकेट्स गवा दिए, पहला विकेट 3 पर, दूसरा 8 पर, तीसरा 22 पर, चौथा 25 पर, पांचवा और छठा विकेट 26 पर। भाऊ पटेल बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं वीआईपी डाइस पे, इरफान अदीस अंसारी, उप महापौर मनोज काटेकर जी, आमदार ग्रामीण शांताराम मोरे साहब, प्रकाश जी पाटिल, ग्रामीण सम्राट सुरेश बाल्या मामा, दिलीप गुलवी, विश्वनाथ नाइक, सुंदर सेठ नाइक। इस बीच गेंद फ्लिक करते हुए गेंद को आउटफील्ड में एक रन। सुरेश पारधी ने कितने रन बनाए कुल मिलाकर? 12 रन। साकिब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, पपिया खारिक को चौथी डॉट गेंद के लिए पपिया खारिक ने। अब तो पूरी तरह से मैच को छोड़ भी दिया है बल्लेबाजों ने, क्योंकि पता है यहां से चौके छक्के भी लगते हैं तो मैच नहीं जीत पाएंगे। इस मरतबा आपने आपको रूम दिया, धीरे से पुश किया डीप मिड ऑफ पे एक रन। बी इंडियन को एमएलए ट्रॉफी तीसरी मरतबा जीतने के लिए आप सिर्फ 3 गेंदे बचिए। ये सपोर्टर्स का शोर उभरता हुआ। तो एमएलए ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सफल टीम कोई है तो वो बी इंडियन है। इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश, डॉट गेंद, 2 गेंदे और बी इंडियन के हाथ में एमएलए ट्रॉफी। कमाल का प्रदर्शन बी इंडियन टीम द्वारा, पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब प्रदर्शन किया इस टीम ने। इस मरतबा वाइट नो बॉल का इशारा है कि वाइट गेंद दिए वहां पर। एक बात है कि सेमीफाइनल जो मुकाबला था वहां लगा था कि ये आप बाहर जाएंगे, लेकिन क्या वापसी की थी आखिर के 2 गेंदों पर। इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है मैदान के बाहर, 4 रन। अब केवल एक गेंद शेष है, औपचारिकता है पूरी होती हुई। हालांकि महिंद्रा स्पोर्ट्स को उतना ज्यादा संघर्ष यहां तक पहुंचने के लिए नहीं करना पड़ा था जितना बी इंडियन ने किया। इसके साथ ही बी इंडियन इज द चैंपियन ऑफ एमएलए ट्रॉफी। Yeah.
भाई अभिनंदन वॉलेंटियर्स वॉलेंटियर्स जल्लोष बीडेंचा जल्लोष अंदा जशकाचा डीजे देवेश रसिक प्रेक्षकांचा डीजे गाणं लावा गाणं लावा नाचू डान्स करो डान्स करो संघाचे सर्व खेळाडू एकमेकांना हस्तांदोलन करत आहेत अभिनंदन बी इंडियन हो हो दिस इज अ जल्लोष एन्जॉय क्रिकेट एमएलए ट्रॉफी 2018